हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में है ना कार्बन की अपरूप के बारे में आपको चर्चा करेंगे और ये कुछ बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कार्बन के अपरूप है, ये कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं। देखिए, कार्बन के अपरूप तो दो ही होते हैं, है ना। देखो लिखा है, मैंने सारा चीज नोट्स बनाकर आपको दे रहा हूँ, समझिए। लिखा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन की अपरूपी अवस्था में रहते हैं। मतलब आपके एग्जाम में पूछेगा कि कार्बन की अपरूप कौन कौन है, तो बताना हीरा और ग्रेफाइट। जी सर, अब हम हीरा ग्रेफाइट के बारे में आपको अंतर लिखवाएंगे और हीरा और ग्रेफाइट के बारे में आपको अंतर बताऊंगा, है ना। कई सबको एग्जाम में लिखना है आ जाएगा। तो देखिए, हीरा में क्या होता है ना, हीरा का में क्या होता है, इसमें जो कार्बन होते हैं वो चार कार्बन होते हैं। जो हीरा में हीरा होता है उसमें चार कार्बन होते हैं और चार कार्बन आपस में जुड़कर त्रिविमीय अवस्था मतलब त्रिविमीय संरचना बना लेते हैं। त्रिविमीय का मतलब समझते हैं ना, त्रिभुज जैसा ऐसा, है ना। तो देखो मैंने वही लिखा है, देखो हीरा में कार्बन परमाणु, ध्यान समझिएगा एक एक बात, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। मतलब उसमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं हीरा में, वो त्रिविमीय रूप में सजे होते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, सोचो जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से, मतलब जितने भी कार्बन है और किसी अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध सहसंयोजिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजिक बंधन का मतलब बताए, मैंने आपको बता रखा है वीडियो नंबर 2 में, आप उसमें जाकर देखिए जा, क्योंकि मैंने बताया था जब जब क्या होता है, जब मान लीजिए ये मैंने H2 का निकाला था। जी सर, H2 का मैंने आपको बताया था, इसमें इसका बाहरी कक्षा में एक था, इसका भी बाहरी कक्षा में एक था, तो आपस में दोनों ने हेतु साझा किया, है ना, तो आपस में एक बंध बना लिया। दो परमाणु होंगे और दोनों आपस में साझा करके एक बंध बना लेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध। मतलब सहसंयोजक बंध आता है तो सिंगल आबंध आता है, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो आज सब लाइफ में याद रखिएगा कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इतना बात आप लोगों को याद रखे। दूसरा मैंने स्टेप लिखा है, हीरा कैसे होता है, कठोर होता है, क्योंकि वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ रहते हैं। तो क्या होता है, एक मजबूती से बंधन से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधन बंधे होने के कारण ये क्या होता है, कठोर होता है। जी सर, अगला स्टेप में मैंने लिखा है 3 नंबर की हीरा उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हीरा में अगर आप धारा का प्रवाह कहते हैं तो आपको वहां से धारा का प्रवाह नहीं होगा। कु का मतलब होता है खराब, कु का मतलब खराब होता है अलग ना, और सु का मतलब अच्छा होता है। तो आज से तीनों स्टेप याद रखिएगा कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से त्रिविमीय संरचना के रूप में सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा, हीरा कठोर होता है, पूछते हैं निम्नलिखित में कौन से कठोर पदार्थ है, तो बताना हीरा। तीसरा मैंने बताया, हीरा उष्मा में विद्युत का कुचालक होता है। जी सर, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, खतरनाक तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे, है ना। देखो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, उसमें कितने परमाणु थे, चार। देखो इसमें चार कार्बन परमाणु थे, लेकिन इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 3 कार्बन परमाणु, है ना। से एक तल में, है ना, इसमें 3 कार्बन परमाणु लेकिन एक ही तल में कैसा बंध बनाएंगे, तो सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़कर षटकोणीय, षट का मतलब कितना होगा, षट का मतलब 6, मतलब उसमें कार्बन की संख्या 3 से जुड़ रहेगा और 6 बना लेगा। षटकोणीय का मतलब षटकोण, है ना, उसमें कार्बन का मतलब 6 होगा, वाले बनाता है। तो ग्रेफाइट में 3 कार्बन होंगे और 3 कार्बन परमाणु मिलकर षटकोणीय और को भी कैसा बंध बनाएंगे, तो सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़कर षटकोणीय वाले का निर्माण कराते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है, ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सु मतलब अच्छा चीज, भाई ग्रेफाइट जानते होंगे ना, पेंसिल होता है, अगर पेंसिल के नोक में आप अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेफाइट का बना होता है। आप पेंसिल देखोगे तो क्या होता है, उष्मा एवं विद्युत का होता है, सुचालक होता है, ठीक है। अगला मैंने लिखा है, ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। भाई उसको पेंसिलिया को छुएगा तो मुलायम होता है, मुलायम क्या होता है, तो वो भी क्या होता है, चिकना होता है,
ठीक है। और इसमें एक खास बात यह है, ये चिकना क्यों होता है कि इसमें एक बल काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वंडर वाल बल, है ना, इसी कारण वो चिकना होता है। ठीक है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। चलिए अब हम लोग आगे कुछ बातें सीखते हैं। देखिए अगला क्या होता है, जो फुलेरिन होता है, फुलेरिन, उस फुलेरिन में कार्बन होते हैं, वो कार्बन होते हैं 60। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फुलेरिन कार्बन का कैसा रूप है, शुद्धतम रूप है, अपरूपतम शुद्ध है, इनमें से कोई नहीं दोनों, तो बताना है। देखो फुलेरिन कार्बन का एक अन्य शुद्धतम रूप है, मतलब ये दूसरा रूप है, कार्बन है लेकिन कार्बन का ये शुद्धतम रूप है, शुद्धतम मतलब सबसे शुद्ध है। तो पूछता है कार्बन का एक अन्य शुद्धतम अपरूप कौन है, चार ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन कैसे भी लड़का पूछ देता है। तो बताना है फुलेरिन कार्बन का एक अन्य शुद्धतम अपरूप है। ठीक है, इसमें जो होते हैं, जो फुलेरिन होते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, है ना। देखो इसमें 60 कार्बन होते हैं, टोटल कितने कार्बन, 60 होते हैं, और इसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है। आपको देखे होंगे कि जो फुटबॉल होता है ना, उसमें फुटबॉल ऐसे गोलता होता है, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है उसमें 60 कार्बन होते हैं, है ना। और ये कैसा होता है, ये फ्लोरीन कार्बन के एक अन्य शुद्धतम अपरूप है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है क्या ही इसको नाम किस पर रखा गया। तो देखो एक और क्वेश्चन इसी पर बनता है कि संरचना बंक मिस्टर, संरचना बंक मिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडेसिक गोलाकार गुंबज की सदृश था, मतलब वो जो फुटबॉल था उसका आकार गुंबज की तरह का था, कैसा था, गुंबज की सदृश था। किसने ये बात बताई, तो अमेरिका की शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडेसिक गोलाकार गुंबज की सदृश था, मतलब इसकी संरचना थी वो गुंबज की तरह गोलाकार थी, इसलिए उसका नाम रख दिया फुटबॉल। इसे बंक मिस्टर फुलेरिन कहा जाता है ना, उससे हम लोग फुटबॉल कहते हैं या बंक मिस्टर फुलेरिन भी कहा गया है। इन्हें प्राय बक्की बॉल्स भी कहते हैं। आप आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुटबॉल भी देख सकते हैं, या इसको हम लोग बक्की बॉल्स भी के नाम से जाना जाता है, है ना। आज हम इतना बातें अपनों को बताया, कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक तथा सहसंयोजक अवंध के बारे में। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।